brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. गाड़ी से उतरते किम जोंग उन की तस्वीर बेहद खास है। सामने एक पिंक कलर का कारपेट है और जिस गाड़ी से उतर रहे हैं वो चमचमाती कार अपने आप में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। तो आइए आगे की खबर ना पढ़कर आपको सबसे पहले पीछे ले चलते हैं कि आखिर किम जोंग उन के पीछे जो कार खड़ी है उस पर दुनिया भर में बात क्यों हुई, क्यों संयुक्त राष्ट्र में इस गाड़ी को लेकर चर्चा उठी। ये गाड़ी है रूसी गाड़ी, इसका नाम है ऑरस इसे बनाती है। और सबसे खास बात यह है कि इस गाड़ी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने दोस्त किम जोंग उन को गिफ्ट की थी। जब उन्होंने ये कार किम जोंग उन को गिफ्ट की तो इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि आखिर रूसी राष्ट्रपति ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो यूएन के उन तमाम नियमों और कायदों का उल्लंघन हो गया। लेकिन अब किम जोंग उन अपने दोस्त की दी हुई गाड़ी यानी गिफ्टेड गाड़ी से पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। आमतौर पर उन्हें मेबैक या फिर मर्सिडीज से घूमते हुए देखा जाता था, लेकिन अब वो हर जगह इसी रूसी गाड़ी से घूम रहे हैं। ये गाड़ी बेहद खास है। कहते हैं कि ऑरस मोटर्स की गाड़ियों की शुरुआती कीमत 4 करोड़ रुपए से शुरू होती है और मौजूदा वक्त में रोल्स रॉयस से बेहतर गाड़ियां ऑरस बनाती है। जब राष्ट्रपति पुतिन ने इस गाड़ी को किम जोंग उन को गिफ्ट किया तो इस बात को लेकर चर्चा उठी कि आखिर ये संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है। लेकिन बावजूद इसके सब कुछ दरकिनार करते हुए रूस ने गाड़ी नॉर्थ कोरिया को दे दी। ये गाड़ी इतनी खास है कि इसके सामने रोल्स रॉयस भी जो है वो छोटी गाड़ी लगती है। ये गाड़ी 6700 मिलीमीटर लंबी है और ये रोल्स रॉयस से ज्यादा लंबी है। कार में कंफर्ट का ध्यान रखा गया है और इसमें बेहद खास चमड़े की सीटें लगाई गई हैं। कार में अंदर खूबसूरत लकड़ी का काम और मूड सेट करने के लिए रोशनी का यानी एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है जो काफी शानदार है। और अब बात करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी से किम जोंग उन घूमते हैं, तो सुरक्षा की बात करते हैं। इस गाड़ी की सुरक्षा अभेद्य है। इस गाड़ी में लगा है बेहतरीन क्वालिटी का एयर कंडीशनर, बुलेट प्रूफ कवच और मजबूत ग्लास जो गोली और बमों के हमलों को आसानी से झेल लेता है। गाड़ी के नीचे यानी बिल्कुल नीचे में बम रोधी सुरक्षा मौजूद है। इस गाड़ी के टायर खास हैं जो पंक्चर होने के बाद भी चलते रहते हैं। कार में सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। इसमें जरूरत के समय इस्तेमाल के लिए छिपे हुए हथियार भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर कार में ऑक्सीजन की आपूर्ति का भी भरपूर इंतजाम है ताकि किसी भी हाल में इस गाड़ी में बैठे किसी भी व्यक्ति का दम न घुटे। गुप्त बातचीत के लिए एक अलग से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसी खासियतों की वजह से ऑरस सीनेट लिमोजिन सिर्फ एक लग्जरी कार नहीं बल्कि ये नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के सुरक्षा काफिले का सबसे अहम हिस्सा है। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया अपने दोस्त की दी हुई ये खास गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम इस गाड़ी के इतिहास के बारे में बात करें तो ऑरस लिमोजिन रूस का पहला लग्जरी कार ब्रांड है। देश में बड़े अधिकारियों के काफिले में इसका इस्तेमाल होता है और राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार साल 2018 में इस कार की सवारी की थी और तब से वो इसी गाड़ी से अपना सफर तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।